जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होगी और मैं भी सही हूँ। आज जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है, काफ़ी बेहतरीन रिक्वायरमेंट है, और जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल वगैरह देख लिया होगा, और इसमें जो आपकी सैलरी है काफ़ी अच्छी लगने वाली है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर आप सऊदी अरब में किसी भी तरह की कोई भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो अगर आपकी प्रोफाइल से मैच करती है जॉब है तो ज़रूर आप इस पर अप्लाई कर सकेंगे। सैलरी जो आपकी मैं बता दूँ इसमें काफ़ी बेहतरीन लगने वाली है। अगर आप फ्रेशर है, रिटर्न है, जैसे भी हैं, आप इस वीडियो को देखें और आपकी प्रोफाइल से मैच करती है तो ज़रूर इसमें अप्लाई कर सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो का लाभ ले पाएँ। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और टाइम से आप वीडियो देख के उस पर अप्लाई कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए और दोस्तों जो भी है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके लिए मैं काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेकर आ सकूँ। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है ये है सऊदी अरब जद्दा से, और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। अब बात करें इसमें जो कंपनी आपको प्रोवाइड करी है, काफ़ी बेनिफिट्स जो है आपको दे रही है कंपनी, यानी कि एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अदर बेनिफिट्स जो है आपको सऊदी के लेवल लोग के हिसाब से प्रोवाइड किए जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं जैसे कॉल लगाते हैं, तो अगर मैं उनको बताता हूँ तो पूछते हैं कि कंपनी आपको हमें रहने का देगी या नहीं देगी। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी कंट्री रहे, ज़्यादातर 99% कंपनियां रहने का तो हमेशा सभी को देती हैं, 1% कंपनियां नहीं देती हैं, कोई कोई कंपनी नहीं देती है रहने का, लेकिन आपको अकोमोडेशन तो कंपनियां देती ही देती है, ठीक है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी आपको रहने के लिए रूम वगैरह तो देगी या इंतज़ाम उसका करेगी, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखा करना है। और फूड का रहता है, फूड ज़्यादातर सेल्फ रहता है, लेकिन बहुत सारी कंपनी 10-20% ऐसी होती हैं कंपनी खाना वगैरह आपको दे देती हैं, ज़्यादातर नहीं तो खुद का ही खाना रहता है कहीं भी आप जाएंगे तो, लेकिन 20% कंपनियां खाना दे देती हैं। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि खाना कौन सी में कंपनी आपको दे रही है, नहीं दे रही है जो फैसिलिटीज़, ठीक है ना। तो उस चीज़ का खास करके ध्यान रखा करें। तो हमारे पास में ये जो है आज रिक्वायरमेंट है डीजल मैकेनिक की है। अगर आप एक मैकेनिक लाइन से हैं, डीजल मैकेनिक हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो है काम काफ़ी अच्छा काम है। ड्यूटी की बात करें तो फैक्ट्री के अंदर आपको ड्यूटी करना रहेगा, और उसके अंदर सारा कुछ काम रहेगा आपका, 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। अदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जब आपका सिलेक्शन रहेगा तो वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा कि आपकी ड्यूटी 9 घंटे की है, 10 घंटे की है, ठीक है। क्योंकि और ओवर टाइम की बात करें तो आपकी ओवर टाइम जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपको ओवर टाइम कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। और इसमें पासपोर्ट कोई भी हो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें जो है इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। जैसे ही रिक्वायर रहेगी आगे से, वो हम आपको बता देंगे, आपका कॉलिंग इंटरव्यू रहेगा किस तरह से रहेगा, तो वो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अगर डायरेक्टली सिलेक्शन होएगा तो हम आपको वो भी बता देंगे, लेकिन आपका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, इंडियन सर्टिफिकेट रहे जैसे भी रहे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और कम से कम 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना इसी लाइन में ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरी, तो हमारे पास में दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, ठीक है ना। तो अगर आप इस लाइन से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप डीजल मैकेनिक की सैलरी की बात करें तो उसमें 1500 रियाल आपकी सैलरी है, ठीक है, 1500 रियाल आपकी सैलरी है। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की जो आप हम बात करते हैं इसमें सैलरी की, तो इसमें जो आपकी सैलरी है 1500 से 1800 के बीच में आपकी सैलरी लगेगी, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपको एक्सपीरियंस कितना है और आप कितने दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं। अगर गल्फ रिटर्न है तो आपकी जाहिर सी बात है 1800 प्लस पहुंच जाएगी आपकी सैलरी जो है। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर की तो जाहिर सी बात है कम रहेगी सैलरी, लेकिन आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सैलरी आपकी काफ़ी बेहतरीन लग जाएगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कंपनी आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है। तो कंपनी आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ दे रही है। अदर बेनिफिट जो है आपको सऊदी के लेवल लोग के हिसाब से दिए जाएंगे,
और ड्यूटी की बात करें तो 9 से 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी आपकी, और सारी चीज़ जो है आपकी जब सिलेक्शन रहेगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ड्यूटी कंफर्म कितने की रहेगी, 9 घंटे की रहेगी या 10 घंटे की रहेगी, और जो भी बेनिफिट्स हैं आपके सऊदी के लेवलों के हिसाब से अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। सैलरी मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी इन दो वैकेंसी के रिलेटेड कोई भी क्वारी करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, अदर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में आपको जो चाहिए वो हमें पासपोर्ट का दोनों साइड स्कैन चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, वाइट बैकग्राउंड में आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो चाहिए, और आपके प्रॉपर स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस तरह से नहीं है खाली फोटो खींच के भेजते हैं, उससे मैं आपको बता दूंगा अगर फोटो खींच के भेजते हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स भेजे ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप लोग वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर ना पसंद हो तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।